हाय फ्रेंड्स, बागुंडारा कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यदि इस सीरीज का कंटिन्यूस दो वीडियो आप देखे होंगे तो ये वीडियो तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पास्ट टेंस में मैं, हम, तुम, वह का प्रयोग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैं, हम, तुम, वह का किस तरह से प्रयोग करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि फ्यूचर टेंस में हमें आगे आने वाले समय में, मतलब हमें यदि भविष्य काल में प्रयोग करना होगा मैं, तुम, हम, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत छोटी सी है और बहुत मजेदार, बहुत यूजफुल है। तो क्या करना है, साथ में नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाएंगे। मुझे तो उम्मीद है कि ऐसे भी दो वीडियो देखने के बाद ये चीज आपके माइंड में बैठ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि नहीं बैठा है तो नोट्स बनाइए, एक दो बार यदि उसको देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में, पास्ट टेंस में मैं, तुम, हम का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हमें बोलना है मैं खाऊंगा, तो यहाँ भी फ्रेंड्स हम लोग तिन्नटम का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ये सब में जो है ना तिन्नटम का ही प्रयोग किए, तो इससे हमें पता चल गया तिन्नटम इसका मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है खाना। वैसे तो वर्ब का लिस्ट ही है पूरा आपके पास, आप चाहे ना तो इसको बदल बदल करके भी आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं खाऊंगा, नेनु तिंटानु, मतलब मैं खाऊंगा। वैसे फ्रेंड्स, नेनु तो रहेगा ही रहेगा, इधर भी नु, नेनु तिंटानु। ठीक है, उसी प्रकार से हम खाएंगे के लिए मेमु तिंटामु, यहाँ भी इधर भी मु रहेगा, मेमु तिंटामु। उसी प्रकार से तुम खाओगे, तुम के लिए बोलने में नुवो तिंटाउ, मतलब तुम खाओगे। तो फ्रेंड्स क्या करना है, पिछले का जो वीडियो, दो वीडियो था ना, उसका भी लिस्ट बगल में रखिए कि मैं खाया उसे क्या बोले थे, मैं खा रहा हूँ उसे क्या बोले थे, मैं खाऊंगा उसे क्या बोले थे। यदि तीनों को आप कंपेयर करते चले जाइएगा ना, तब ये वीडियो चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि हमें बड़ों को इज्जत देने के लिए, आदर देने के लिए बोलना है, या फिर बहुत लोग हैं प्लूरल में बोलना है, तो क्या बोलेंगे, वे खाएंगे, तो फिर क्या होगा, वारु तिंटारु, वे खाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर भी रु, इस चीज को तुम दिमाग में बिठा लीजिए, वारु तिंटारु। उसी प्रकार वह खाएगा, यदि बोलना है तो वह के लिए अतड़ु तिंटाड़ु, इसमें फ्रेंड्स टाटा आएगा बीच में, अतड़ु तिंटाड़ु, वह खाएगा। और फिर लड़की के लिए फिर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि हमें बोलना है वह खाएगी, तो वह के लिए क्या था, लड़की के लिए आमे। ठीक है, तो वह खाएगी आमे तिंटुंदी, वह खाएगी आमे तिंटुंदी, आमे तिंटुंदी, वह खाएगी, है ना आसान। चलिए, अब यदि हमें फ्रेंड्स नेगेटिव में बोलना है, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नेनु तिन्नु, इसमें लेदु का प्रयोग नहीं होगा, तिन्नु मतलब मैं नहीं खाऊंगा। उसी प्रकार से हम नहीं खाएंगे, मेमु तिन्नु, फिर वैसे ही जाएगा, मेमु तिन्नु, मतलब अभी तो हम लोग बहुत आसानी से जान गए मैं खाऊंगा, नेनु तिंटानु, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी, नेनु तिंटानु मतलब मैं खाऊंगा, अब बोलना है मैं नहीं खाऊंगा तो नेनु तिन्नु, अब हमें बोलना है मैं क्यों खाऊंगा। यदि मान लीजिए हमें यहाँ पे नहीं को छोड़ देना है, ठीक है, नहीं को छोड़ के हमें बोलना है मैं क्यों खाऊंगा, तो नेनु एंदुको तिंटानु। फ्रेंड्स, फेस में भी क्यों का एक्सप्रेशन देखना चाहिए, नेनु एंदुको तिंटानु, मतलब मैं क्यों खाऊंगा, ठीक है, नेनु एंदुको तिंटानु। यदि हमें बोलना है फ्रेंड्स मैं क्यों नहीं खाऊंगा,
जरूर खाऊंगा। यदि हमें बोलना है तो भी तो सीखना है ना। यदि हमें बोलना है मैं क्यों नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं खाऊंगा, इसे कैसे बोलेंगे? मैं के लिए नेनू, नेनू, क्यों के लिए एंदुको, नेनू एंदुको, नहीं खाऊंगा तिन्नो, नेनू एंदुको तिन्नो, नेनू एंदुको तिन्नो, मतलब मैं क्यों नहीं खाऊंगा, नेनू एंदुको तिन्नो, मैं क्यों नहीं खाऊंगा। फ्रेंड्स है ना आसान, बहुत आसान है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करना है आपको, अभी जो मैं तीनों बताई ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये मैं अलग अलग दिन इसलिए बताई आपको, हालांकि चाहती तो एक साथ ही बता सकती थी, एक साथ बताने से फ्रेंड्स पूरा गोलमोल हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको अलग अलग बताई, अलग अलग बताई, साथ ही आपको नोट्स बनाना है, एक चार्ट बनाना है, पास्ट टेंस में कैसे, प्रेजेंट टेंस में कैसे और फ्यूचर टेंस में कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो में आप जो है ना, अगली वीडियो में कोई भी शब्द यदि बताऊंगी तो उसके लिए आप बहुत यदि कंफर्टेबल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।